an open embrace. An Indian democracy too has an aspiration for this large, multicultural, multi-religious and multilingual nation to stand tall in the Comity of Nations, as the largest democracy in the world, to anchor its governance on the principle of a voice for all places and a place for all voices. माननीय प्रधानमंत्री महोदय लाल किले की प्राचीर से उद्बोधन के पश्चात प्रस्थान कर रहे हैं। उनका अभिवादन करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, थलसेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरावने, वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया और नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमवीर सिंह, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह माननीय प्रधानमंत्री के साथ प्रस्थान कर रहे हैं। साथ में रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार अभिवादन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय उपस्थित जनसमूह का लाल किले की प्राचीर से उन्होंने देश को संबोधित किया। देश के विकास, आत्मनिर्भरता, सशक्तिकरण और साथ ही साथ नई नीति, नई रीति, साधारण से असाधारण की ओर चलने की जो क्षमता है हमारे देशवासियों में, उसको उन्होंने रेखांकित किया और साथ ही भविष्य की जो प्राथमिकताएं हैं उनको भी अपने उद्बोधन में समाहित किया। प्रधानमंत्री मोदी प्रस्थान कर रहे हैं लाल किले की प्राचीर से। लाल किले से उनके भाषण बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। हर वर्ष उन्होंने ऐसी योजनाओं और नीतियों की घोषणा लाल किले से की है जो नए भारत का निर्माण करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रही हैं। आज भी कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने देश के साथ साझा की। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की आज घोषणा माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कर दी है। लाहौरी दरवाजे की ओर बढ़ता हुआ उनकी कारों का काफिला, चौहत्तरवां स्वाधीनता दिवस समारोह संपन्न होता हुआ, the Prime Minister's carcade exiting the Lahori gate and will now slowly circle towards the front of Red Fort. The Prime Minister talking about self-reliance. What's true for a family must be true for the country too. Interconnectedness, interdependence. We need to work together, not in silos. All emphasized and stressed upon here today. Samay badal raha hai, हम बदल रहे हैं।